बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आजकल कंधा बने हुए हैं और कंधे का काम होता है सहारा देना, तो फिलहाल वो बॉलीवुड के बड़े से बड़े फ्लॉप एक्टर को कंधा देने के लिए अपनी फिल्मों को अपने कैमियो को दांव पर लगा रहे हैं। पहले शाहरुख खान की पठान को बहुत अच्छे कंधे के सहारे से उठा दिया और अब लगता है खान तिकड़ी के एक और एक्टर यानी आमिर खान को कंधा देने के पूरे मूड में है और इस बात के लिए सलमान खान ने अपनी फिल्मों को भी डिले करने का डिसीजन लिया है। तो आखिर वो कौन सी मूवी है जो आमिर खान को लेकर सलमान खान प्लान कर रहे हैं और किस तरह से अपनी मूवी को डिले करके वो आमिर खान को शाहरुख खान वाली पठान की रेंज में लाएंगे, इस वीडियो में जानेंगे। एक्चुअली सलमान खान और आमिर खान अंदाज अपना अपना के जरिए बॉलीवुड के फेवरेट कपल बन चुके थे और उनकी एक्टिंग को लेकर पूरे बॉलीवुड में एक तरह का पॉजिटिव मोमेंटम माना जाता है। उसके बावजूद दोनों ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, संतोषी कोशिश करते रहे दोनों को रिकास्ट करने की, लेकिन खान तिकड़ी का पूरा ईगो एक दूसरे के सामने आ जाता है। लेकिन जिस तरह से पठान की नैया सलमान खान ने पार लगाई है तो लगता है आमिर खान को भी अंदाजा हो गया है कि उनको सारा सलमान खान का लेना पड़ेगा। और वैसे भी सलमान खान खुलकर कह चुके हैं, जब वो बॉबी देओल को रेस में कास्ट कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि एक टाइम था जब सलमान खान का खुद का सितारा बुलंदी पर नहीं था और किसी ने सलाह दी थी कि वो सनी देओल के कंधे पर सवार हो जाएं, और तब सनी देओल के साथ उन्होंने जीत मूवी की थी और उस वक्त वो चल निकले थे। वही हाल बॉबी देओल का हुआ, रेस के बाद बॉबी देओल चल निकले और आजकल सलमान खान अब वही फंडा दूसरे एक्टर के साथ अपना रहे हैं और उनको अपने कंधे पर सवार कर उनके कैरियर की नैया पार लगा रहे हैं। तो शाहरुख खान के बाद अगला नंबर आमिर खान का लग चुका है, जो कि बॉलीवुड के लिए गुड न्यूज है, बिकॉज हमेशा बॉलीवुड में खान तिकड़ी की जब भी बात होती थी नंबर वन पे शाहरुख खान आते थे, नंबर टू पे आमिर खान और नंबर थ्री पे सलमान खान का नाम लिया जाता था 90s तक। लेकिन 90s के बाद खासतौर पर वांटेड के बाद सलमान खान के सितारे पूरी तरह से बदल गए और अब खान तिकड़ी में सलमान खान का नाम नंबर वन पर आता है, शाहरुख खान का नाम नंबर टू पर और आमिर खान का नंबर थ्री पर, बिकॉज आमिर खान ने करीब 4 से 6 सालों के बीच में ठग ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा जैसी फ्लॉप मूवी दी है। शाहरुख खान का कमबैक हो चुका है पठान से, ऐसे में सलमान खान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आमिर खान ने उनको अपने होम प्रोडक्शन की मूवी यानी आमिर खान फिल्म प्राइवेट लिमिटेड मूवी की तरफ से एक ऑफर दिया है, जो कि डायरेक्टर आरजे प्रसन्ना का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और कहा जा रहा है कि ये पैन इंडिया मूवी होगी जो कि मास मसाला है और सलमान खान की लार्जर देन लाइफ इमेज को जस्टिफाई करती है। इसको लेकर आमिर खान सलमान खान एक दूसरे घर में कई बार मिल चुके हैं और लेटेस्ट फोटो भी आई है जहां पर आमिर खान फोटो खींच रहे हैं सलमान खान की अपने परिवार के साथ। तो यहां पर मीटिंग चल रही है आरजे प्रसन्ना के साथ, जो इससे पहले शुभ मंगल सावधान जैसी बेहतरीन मूवी बना चुके हैं और उनके आइडिया पर ही आमिर खान ने सलमान खान को अप्रोच किया है। सलमान खान करीब 6 महीने से उसकी कहानी पढ़ रहे थे, अब फाइनल ड्राफ्ट हाथ लग चुका है और अब आमिर खान को लगता है कि सलमान खान इस लार्जर देन लाइफ ड्रामा के लिए सबसे बेस्ट चॉइस हैं। लेकिन सलमान खान भी दिल के बहुत खुले हैं और अपनी मूवी टाइगर के बाद जो भी आने वाली है उनको होल्ड पर रखकर सलमान खान आमिर के लिए काम करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा है तो पहली बार होगा सलमान खान आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम करेंगे और दोनों खान किसी तरह से एक फ्रेम पर फिर आएंगे आफ्टर अंदाज अपना अपना। तो उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, बिकॉज पठान का जिस तरह का रिजल्ट आया है शाहरुख सलमान के साथ, वैसे ही आमिर सलमान वाले रिजल्ट की उम्मीद की जाती है और वैसे भी आमिर खान जिस तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनको कमबैक करना चाहिए, बिकॉज बॉलीवुड में रंगत तभी आती है जब तीनों खान की तिकड़ी अपनी एक्टिंग से क्लासिक रंग जमाती है। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।